एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्जाम्स के बारे में। मुंबई यूनिवर्सिटी ने एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट 20 सितंबर तक एक्सटेंड किया है, तो अभी भी टाइम है, फिल कर सकते हो फॉर्म। एंड एटीकेटी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सितंबर 25। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है एटीकेटी का, तो सितंबर 25 से आपका नहीं हो पाएगा। एंड जो फाइनल ईयर के फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम है वो होंगे अक्टूबर 1st टू 17th के बीच में, एंड सितंबर 20 के पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। एंड ये जो एग्जाम होने वाली है वो है एमसीक्यू पैटर्न, 50 क्वेश्चंस होंगे 1 आवर ड्यूरेशन में। एंड ये भी कहा गया है कि जो ऑप्शंस होते हैं एमसीक्यू के, उसमें नन ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी ऐसे ऑप्शंस नहीं होंगे। 4 ऑप्शंस विल बी गिवन, उनमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। यूनिवर्सिटी हैज ऑल्सो डिक्लेयर्ड द कॉलेजेस टू टेक मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, एंड ऑल्सो सैम्पल क्वेश्चन भी मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है। एंड मैं उन सैम्पल क्वेश्चन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो जाके चेक कर लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। एक बार वो सैम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, मॉक टेस्ट दे दोगे, तो ऑनलाइन एग्जाम भी बहुत ईजी हो जाएगा। एंड प्लीज डोंट थिंक कि कॉपी कर लेंगे, गूगल कर लेंगे, ये सब पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज 1 आवर के ड्यूरेशन में 50 क्वेश्चन है। अगर कॉपी के चक्कर में रह जाओगे तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा, एंड सिलेबस वैसे भी वास्ट है, तो एमसीक्यू कहाँ ढूंढते बैठोगे और गूगल करते बैठोगे। वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि हमारे रिजल्ट पे मेंशन होगा कि हमने पैंडेमिक में एग्जाम दिया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट रेगुलर होगा, जैसे एवरी ईयर मिलता है। किसी एक एग्जाम एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स को शायद ऐसा रिजल्ट देने वाले थे, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो चुका है, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। नॉर्मल रिजल्ट होगा, जो भी स्कोर होगा वो होगा, बस तुम्हारा पैटर्न होगा एमसीक्यू पैटर्न, और कोई लीवेज आपको नहीं मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे मैंने पुट किया है एमसीक्यूज का लिंक, एंड ऑल्सो फॉर्म्स का भी लिंक मैं पुट कर दूंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।